बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के मामले को लेकर सवालों के घेरे में। आरोप लग रहे हैं कि संजय दत्त ने करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर टैक्स से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 दिसंबर 2020 को संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्यता को तोहफे में करीब 100 करोड़ रुपए का एक शानदार गिफ्ट दिया था। संजय दत्त ने मान्यता को पाली हिल्स में एक साथ 4 अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए थे, जिनमें से हर बंगले की मार्केट वैल्यू करीब 26.5 करोड़ रुपए है। पाली हिल्स के इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट खरीदे गए। इनमें 2 अपार्टमेंट तीसरे और चौथे मंजिल पर हैं, जबकि 2 पेंटहाउस 11वें और 12वें फ्लोर पर हैं। इस खबर पर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाली एक कंपनी ने दावा किया है कि उसके पास संजय दत्त द्वारा दिए गए कीमती गिफ्ट के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय दत्त के इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किए जाने के 6 दिनों बाद ही मान्यता ने इसे उन्हें वापस कर दिया था। इस ट्रांजैक्शन को लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई टैक्स पेयर अपने परिवार में किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो स्टैंप ड्यूटी में राहत मिलती है। पति द्वारा किए गए गिफ्ट को वापस करना सामान्य नहीं है। ऐसे में संभव है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने और वापस करने का एक्शन टैक्स को बचाने के लिए किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल संजू बाबा कैंसर की बीमारी को मात देकर अपनी नई फिल्मों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जुड़े हैं और जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर वापस दिखाई देने वाले हैं। संजय दत्त से जुड़ी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।